कभी ना कभी हर कोई ये जरूर सोचता है कि आखिर सेलिब्रिटी लोग अपनी उम्र से 10 से 15 साल जो वहाँ कैसे दिखते हैं, क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, कि वो कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं, कभी उनकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आते हैं, कभी उनकी स्किन से ग्लो जाता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा वीडियो देने जा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ये वीडियो जरूर देखना है अगर आप अपनी स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र से 10 से 15 साल या फिर 20 साल भी आप जवान दिख सकते हैं। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन का यूज करते हैं, कोलेजन को बूस्ट करके रखते हैं। अब ये कोलेजन है क्या? ये कोलेजन है आपकी बॉडी में प्रोटीन। ये कोलेजन वो चीज है जो गम की तरह आपके सेल्स को ऐसे चिपका के रखता है, जिससे आपकी स्किन स्मूथ दिखती है, अच्छी दिखती है, टाइट दिखती है, येल दिखती है। अगर किसी वजह से ये कोलेजन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, यानी कि वैसे भी नेचुरली तरीके से 25 के बाद हमारा जो कोलेजन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और जो कोलेजन है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी स्किन पर रिंकल्स, झुर्रियां, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को कोलेजन चाहिए होता है। जब तक आप इस कोलेजन को अपनी बॉडी में नहीं डालेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आप बूढ़े होते चले जाएंगे। तो आज का ये जो पैक है मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, ये इतने फास्ट तरीके से आपकी स्किन पे कोलेजन को बूस्ट कर देगा कि आपकी जो स्किन है वो रातों रात आपको टाइट दिख सकती है जब आप इसका यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होने वाला, खाने की भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो एंड तक देखना है, पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मजा आएगा। और हाँ, सबसे तेज प्रोसेस जो है कोलेजन जब डिस्ट्रॉय होता है वो करता है सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य सन की हानिकारक रेज, UVA UVB जो रेज होती है वो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। और उसके लिए सबसे पहले सबसे मस्ट क्रीम लगाएं, ना लगाएं, कुछ करें ना करें, सनस्क्रीन का यूज आपको जरूर करना है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बेहतरीन सनस्क्रीन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ममा आर्थ एलोवेरा फेस सनस्क्रीन फेस सीरम, जिसके अंदर आपको मिलता है एलोवेरा अश्वगंधा। 24 घंटे ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। ममा आर्थ के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं। ये जो सनस्क्रीन है उन लड़कियों के लिए काफी बेस्ट है जिनको अपनी स्किन पे व्हाइटनेस नहीं चाहिए। मतलब जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं और सनस्क्रीन, तो उनसे हमारी स्किन पे व्हाइटनेस बहुत ज्यादा आ जाती है ना, और जैसे ही सनस्क्रीन लगाते हैं पसीना बहुत ज्यादा छूट जाता है। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, तो व्हाइटनेस देगी ना आपकी स्किन पे पसीना आने देगी, क्योंकि ये सीरम कंसिस्टेंसी में है, इजीली स्किन इसको ऑब्जर्व कर लेगी और बिल्कुल सीरम की तरह आपकी स्किन पे काम करेगी। ममार्ट के सारे ही प्रोडक्ट आपको नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे, हर जगह मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ममार्ट की खुद की ऐप है, वहां पे जाके भी आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप वहां पे पा सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको लगाना दिन में 2 बार है, जैसे आप और सनस्क्रीन लगाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पैक की। सनस्क्रीन मस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन मस्ट है। जब तक सनस्क्रीन का यूज नहीं करेंगे आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पैक बनाने के लिए आपको क्या लेना है? मिक्सर जार। मिक्सर जार के अंदर हम बेसन डाल लेंगे। बेसन क्या है? बेसन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और कोलेजन एक प्रोटीन ही है जो आपकी स्किन को टाइट बना के रखता है। तो बेसन की आपको यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ले लेनी है, ओके? उसके बाद आपको लेना है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के अंदर ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 ही वो चीज है जो आपके प्रोटीन के साथ मिक्स होके आपकी जो स्किन है उसको टाइट बनाने का काम करता है। 4 बड़े चम्मच बेसन लिया, 2 अड़े चम्मच आपने इसके अंदर फ्लैक्सीड डाल दिया। फ्लैक्सीड शॉप पे कहीं पे मिल जाएगा, लिंक बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे से आपको इसे घुमा देना है मिक्सर जार के अंदर, लाइक एक पाउडर जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। वैसे तो हम फ्लैक्सीड को अलग भी घुमा सकते थे, इसमें बेसन ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर आप 2 चम्मच फ्लैक्सीड को घुमाएंगे तो उसका पाउडर नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप इसको बेसन के साथ मिक्स करें और फिर इसको घुमाएंगे अच्छे तरीके से, तो आपका जो पाउडर है वो बन के तैयार हो जाएगा। दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फाइन लाइन पे काम करेंगे, जो आपके कोलेजन लेवल को बूस्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ बाहर से, क्या खाना है वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आपको लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग 2 से 3 चम्मच। उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है दालचीनी पाउडर। दालचीनी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपकी स्किन को चाहिए ताकि आपका जो कोलेजन है वो डिस्ट्रॉय ना हो। जितना आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी स्किन को देंगे आपकी स्किन उतनी ही फ्लॉलेस होगी। तो दालचीनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आपको इसके अंदर पिंच ऑफ टर्मरिक डाल देना है। टर्मरिक के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जी हाँ। और ये पैक आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। पिंच ऑफ टर्मरिक, पिंच ऑफ सिनेमन यानी कि दालचीनी। अगर आपके पास दालचीनी का टुकड़ा है तो जो हमने फ्लैक्सीड और बेसन घुमाया था ना उसके साथ ही डाल के आप इसको घुमा सकते हैं। ज्यादा नहीं डालना है,
थोड़ा सा ही डालना है। अब इसका जो पैक है वो आपका बनेगा दूध के साथ। दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर देता है, मॉइस्चराइज रखता है। पता नहीं क्या बोल जाती हूँ, जब से ही ब्रिसल्स लगाई है ना यार, पता जबान लटखड़ा रही है। ओके, तो दूध के साथ आपको इसे मिक्स करना है, जितने भी आपको चम्मच लगे आप इसको रख देंगे 5 मिनट के बाद। जब आप इसको 5 मिनट रखेंगे ना तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, देन आप 1 चम्मच और इसके अंदर दूध की मिक्स कर सकते हैं, तो ये आपकी पैक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया प्रॉपरली तरीके से? सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ही रखे होंगे। हाँ, मुझे पता है कि दालचीनी नहीं होगी, तो ये कहीं पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे मसाले वगैरह मिलते हैं वहाँ से जाके आप इसको लेके परचेज करके लेके जरूर आइएगा। ये आपके एक्ने पिंपल पे भी काम करेगी और आपके डार्क स्पॉट्स के ऊपर भी काम करेगी। तो आपको उसके बाद क्या करना है, क्लीन फेस के ऊपर इसको अच्छे से मसाज करते हुए लगा लेना है। आपको मसाज करनी है इसके साथ, हल्के से ग्रैनुअल्स हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जेंटली मसाज करके अपनी आंखों के पास भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको आंखों के पास लगाते हैं ना, तो ये प्रॉपरली तरीके से आपको ड्राई नहीं होने देना है। ओके, बीच बीच में अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है 20 मिनट तक, तो आप हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं फेस के ऊपर, ताकि ये प्रॉपरली तरीके से ना सूखे, ये गीला ही रहना चाहिए। ओके, तो इसे आप अपनी स्किन पे रखेंगे कम से कम 20 मिनट के बाद, और उसके बाद आप अपना फेस क्लीन कर देंगे सिंपल पानी के साथ। ये जो पैक है आपको रात के टाइम पे लगाना है, यानी सोने से 1 या 2 घंटे पहले लगा के अगर आप सोएंगे और सुबह उठ के जब आप अपनी स्किन को देखेंगे, वाओ, अमेजिंग और अमेजिंग टाइटनेस आपको अपनी स्किन पे दिखने वाली है। तो इसका जरूर यूज करना है आपको। बात करते हैं खाने में, खाने में क्या खा सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि बहुत बेहतरीन सोर्स होता है कि आप सप्लीमेंट लें, आप ओमेगा 3 लें, आप विटामिन सी लें, आप एंटीऑक्सीडेंट्स लें, आप फोलिक एसिड लें। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप आंवला खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं जिनके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, आप लेमन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, आप ऑरेंज ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको खानी हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 भी हो, विटामिन सी भी हो, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो। ये सारी चीज़ें मिलके क्या काम करती हैं, आपका जो कोलेजन जो टूट चुका है उसको बूस्ट करेंगी, वो जो पहले वाला ग्लो जो टाइटनेस है वो वापस फिर से आपकी स्किन पे आना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप सप्लीमेंट जरूर खाएं, सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, कोशिश करूंगी कि लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अगर आप खाने का ध्यान रखेंगे, आप पैक लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप भी अपनी उम्र से 10 से 15 साल जवान दिख सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को ये आज का वीडियो थोड़ा सा बोर लगा होगा, क्योंकि काम की बातें हर किसी को पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे ना, तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत बेहतर बनना शुरू हो जाएगी। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।